अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वो जब तक नहीं बुझेगा सर, जब तक नहीं होगा एसिड है यार, एसिड हो रहा है पूरा। अरे वो वाला वाली बंद कर दे। गेल रोक दे, गैस की टंकी में, गैस की टंकी लास्ट हो गई थी क्या? वो एकदम से बाहर भैया हेलो फायर ब्रिगेड वाले को बुला लो यार। फायर ब्रिगेड वाले को बुला लगा दिया यार। हेलो ये सामने पीली पाइप, पीली पाइप बंद कर दो इसको। सही अरे बहुत खतरनाक है, बंदा नहीं है ये। गौतम नगर में भयानक आग लगी हुई है, दो गाड़ी जल के राख। गाड़ी ने विकराल रूप ले लिया। ऊपर देखो कोई है तो नहीं, वहाँ निकाल लिया है, सब कुछ लिया है निकल के। बाबू निकल पाते नहीं यार, भाई विकेट आए तब गेस्ट।
पानी चालू कर दो रे। आप फेंक दो ये केमिकल है, केमिकल ये कलर है मकान का कलर। चालू करो भैया, सब लोग एकदम दूर हो जाओ यार, करो भाई थोड़ा दूर हो जाओ यार, हेल्प हो जाओ थोड़ा। अरे आ जाएंगे सामने। क्या नाम है, किनका घर है ये? मेहता जी, संजय मेहता का घर है। कौन कौन रहता था यहाँ? दोनों रहते थे, मैं भी आ जाती। आप और संजय मेहता? नहीं नहीं भाई, अच्छा बच्चे वगैरह आते रहते। संजय मेहता आपके कौन लगते हैं? संजय मेहता की माँ हूँ तो मैं भी उज्जैन में रहती हूँ ज्यादातर, पर आती रहती हूँ। अभी उज्जैन का मकान बेच रही थी, यहीं पे रहेंगे फिर। संजय मेहता जी क्या करते हैं? संजय मेहता वो फैक्ट्री थी क्या वहाँ पे, नाम याद नहीं, और वहाँ काम करते थे और वो बंद हो गई फैक्ट्री, तो अब अपने घर पे थोड़ा बहुत कर लेते। तो क्या किस कोई केमिकल थे यहाँ पर? कोई विस्फोट हुआ था, क्या हुआ था क्या मालूम। अब मैं तो अंदर बैठी, मेरे को नहीं मालूम, आग लग गई, आग लग गई, पानी लाओ जल्दी। जला कौन है अभी? संजय मेहता। संजय मेहता, संजय मेहता जला। लड़के हाँ, उनकी वाइफ नहीं थी क्या उस समय? वाइफ और वो भी चल गए दोनों। दोनों जगह। आपका नाम क्या है? श्यामा मेहता। कहाँ रहते हैं आप? मैं उज्जैन में ही घर, पर यहाँ भी आती हूँ। अभी हम लोग पूना गए थे तो गुरुवार को तो आए नहीं आते। चल सर, कोई फायर का केस अभी आया हुआ है, जो व्यक्ति झुलसा हुआ है? हाँ, एक आपसे जला हुआ व्यक्ति आया था, संजय मेहता नाम, उम्र 62 वर्ष लगभग, और देवास के रहने वाला है, रामकृष्ण नगर। सर किन कारणों से कुछ अभी है, कुछ आइडेंटिफाई हो पाया कि किस कारण से जला? अभी तो नहीं बता सकते हैं, पर जला है। कितना कितना परसेंट जला है सर? 60-70%। सर क्या रेफर किया जा रहा है अभी? हाँ, उसको रेफर प्लान कर लिया गया है। 60-70% जलना गंभीरता की श्रेणी में आता है, और ऐसे पेशेंट को उच्च चिकित्सा इकाई में ले जाकर इलाज कराना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। सर आपका नाम? डॉक्टर सतीश, जिला अस्पताल देवास।